आज हम आलू बनाएंगे, तो हम साथ साथ आप लोगों को आलू के बनाने का तरीका भी सिखाएंगे। तो हमने पहले क्या किया, तकरीबन 6 आलू ले लिए, तकरीबन नॉर्मल साइज़ के। ये मसाला हमने तैयार किया हुआ है, जिसमें पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और सौंफ डाला हुआ है, और इसमें ये प्याज को हमने चॉप किया हुआ है। तकरीबन 1.5 प्याज लिया हुआ है, और ये 4 टमाटर लिए हुए नॉर्मल साइज़ के। तो इंशाल्लाह अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं आलू बनाने की। प्रेशर कुकर ले लिया है, सही है, उसमें हमने तेल इतना डाल दिया था ताकि प्याज इसमें अच्छी तरीके से तल सके। जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें हम क्या कर लेंगे, प्याज ऐड कर लेंगे, और हम इसका वेट करेंगे तब तक जब तक ये अपना कलर चेंज ना करें। तब तक हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, इसको पकने देंगे। अच्छा, तो प्याज ने तो अपना कलर चेंज कर लिया है, अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। अब टमाटर को इसमें पकने देंगे, ये थोड़ा सा जब पक जाए सही है तो हम इसमें फिर मसाला ऐड कर देंगे। हम टमाटर को थोड़ा सा पकने देंगे ताकि टमाटर अपना पानी छोड़ दे। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे टमाटर अपना पानी छोड़ दे तो हम इसमें मसाला ऐड कर देंगे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको बताना भूल गया था, मैंने अदरक और लहसुन भी हसबे जायका ले लिया था, उसका पेस्ट बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मसाला पहले ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मसाला हम इसमें वो कर लेंगे, मिक्सअप कर लेंगे ताकि पक जाएंगे। अब ये जो हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया हुआ था ये भी इसमें डाल देंगे ताकि ये भी इसके साथ अच्छी तरीके से पक जाए। थोड़ा सा पानी डाल देंगे अब हम इसमें, थोड़ा सा, ताकि मसाले वगैरह अच्छी तरीके से पक जाएं। ये जैसे पक जाएंगे फिर हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। ये मसाला तो पक चुका है, अब हम इसमें हसबे जायका नमक डाल देंगे। ये चम्मच छोटा ऐसे ही है, बस सही हो गया नमक। अब जो ग्रीन चिली हमने काटी थी वो डाल देंगे हम इसमें। जब अब हम इसमें आलू डाल देंगे, जब हमने इसमें आलू डाल दिया अब हम इसमें पानी डाल देंगे, और फिर इस पे प्रेशर कुकर का सर अच्छी तरीके से टाइट बंद कर देंगे, और फिर इसको तकरीबन एक 15 मिनट तक तेज़ फ्लेम पे पकाने देंगे। अच्छा, हमने इसमें पानी डाल दिया, असल में हमारे पास प्रेशर कुकर छोटा है इसलिए आलू इतने अच्छी तरीके से नहीं आए। चलो हम फिर भी ट्राई करते हैं, इस पर आप अच्छी तरीके से सर बंद कर लेते हैं। जब हमने इस पे सर अच्छी तरीके से टाइट तरीके से बंद कर लिया है, अब हम इसको एक 15 मिनट तक कुक करेंगे, और फ्लेम भी हमने अच्छी तरीके से तेज़ कर ली है, सही है, और इस पे हमने सर भी टाइट कर लिया है। तो हमने इसे पकाया, अब गैस इसके पीछे बंद करते हैं और इसे सर हटाते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। अच्छा, ये ख्याल करना है कि प्रेशर कुकर से फ्लेम बंद करने के बाद, चूल्हा बंद करने के बाद सर डायरेक्ट कभी नहीं उठाना, वरना आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। अच्छा, तो
अच्छी तरीके से गैस निकल चुका है, सही है। देखो और तो आलू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त पक चुका है, बस सिर्फ इसका पानी थोड़ा सा सुखाना है, इसकी ग्रेवी अच्छी सी लानी है क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा है, इस पानी को अब थोड़ा सुखाना है। अच्छा, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है हम अभी इसको अच्छी तरीके से सुखा देंगे, पूरा का पूरा नहीं जो कि अननेसेसरी है क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा है, सही है। अब हम इसको अच्छी तरीके से सुखा देंगे इस पानी को। अच्छा माशाल्लाह आलू तो तैयार हो चुका है। असल में बाज़ लोगों को इसका शोरबा पतला पसंद होता है लेकिन मुझे गाढ़ा शोरबा पसंद होता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसका पानी सुखा दिया। चले अब ट्राई करते हैं कि कैसा टेस्ट है। तो चलिए जी अब ट्राई करते हैं कि टेस्ट माशाल्लाह किस तरह आया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बने हुए हैं, इंशाल्लाह आप लोग भी ट्राई करें, आप लोगों को भी बड़ा मज़ा आएगा। शुक्रिया।